Children, welcome you all in the Bishop Academy online classes. Now, in the last part, we shall discuss about the alternating current and properties related to alternating current and how an alternating current should be represented. And in this topic, we shall discuss about the mean value of mean or average value of AC. मीन या एवरेज आप जानते हैं एक ही बात कहा जाता है. सबसे पहले तो हमें मीन या एवरेज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी ये हमें जानना ज़रूरी है. चूँकि आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ठीक है वो लगातार बदलता रहता है. तो कोई पूछे कि कितना वैल्यू करंट का है तो आप मैग्नीट्यूड अभी नोट किए 2 एम्पियर है, अगले ही क्षण वो 2.5 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, बदलता रहता है. तो आप मैग्नीट्यूड बता पाएंगे नहीं. इसलिए हम एक पूरे साइकिल पे कंप्लीट साइकिल की बात करें जो लगातार वेरिंग क्वांटिटी है उसका एवरेज निकालते हैं. तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आप देखिए ये पूरा जो है पॉजिटिव पार्ट होता है और इधर जो है निगेटिव पार्ट है. यानी कि यहाँ पर जीरो करंट है तो यहाँ जीरो है. यदि यहाँ पे 1 एम्पियर हुआ तो इधर नीचे -1 एम्पियर होगा. अगर यहाँ 2 एम्पियर हुआ तो इधर नीचे -2 एम्पियर होगा. हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ निगेटिव वैल्यू ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. अगर पीक करंट आपका मान लीजिए 4 है, +4 होगा तो यहाँ पर पीक करंट क्या होगा, -4 होगा. तो हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ निगेटिव वैल्यू निकलेगा. और अगर टोटल सम करें हम तो जितने पॉजिटिव नंबर है उतने निगेटिव सम करेंगे तो नेट करंट क्या आ जाएगा आपका, 0. तो यहाँ पर पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है, मीन और एवरेज वैल्यू वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट वाइब्रेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन वाइब्रेशन इज जीरो. आपको बताया भी मैंने कैसे जीरो, क्योंकि इधर जितना भी पॉजिटिव पोर्शन में एग्जिस्ट करेगा करंट उतना ही इधर नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा. और पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों का सम करेंगे तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. यानी कि पूरे साइकिल पर जो मीन वैल्यू होता है या एवरेज वैल्यू होता है वो जीरो होता है. दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये रहा कि एवरेज और मीन वैल्यू ओवर एसी ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज ऑलवेज जीरो बिकॉज देयर एग्जिस्ट वन पॉजिटिव पोर्शन एंड अनदर नेगेटिव पोर्शन, बोथ आर इक्वल, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल कैंसल ईच अदर एंड नेट करेंट इज जीरो ओवर अनकम्प्लीट साइकिल. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ए सी मीजर्ड बाई यूजिंग मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर. पहली बात क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हम एसी को मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा नो, नहीं. रीजन हम क्या देंगे, सिंस मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म, इन विच वेन एवर करेंट इज फ्लोन द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय क्वायल एंड क्वायल विल डिफ्लेक्ट. इट्स ओके. अब देखिए एसी क्या होता है, एसी लगातार वेरी तो करता ही है, उसके साथ साथ अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है. तो अगर मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर में हम अगर मान लीजिए मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर का लिंडिल है एसी पास कर दिए तो एक बार इधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होता रहेगा, तो ये हमें प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पाएगा. इसलिए हम एसी को मेजर करने के लिए हॉट वायर
गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक। हॉट वायर गैल्वेनोमीटर जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होता है, इसलिए अब हीट तो तुरंत लॉस होगा नहीं, हर सिचुएशन में करंट चाहे फॉरवर्ड फ्लो हो या रिवर्स फ्लो हो, हर सिचुएशन में हीट प्रोड्यूस होगा और हीट से ही हम सेंस कर लेते हैं कि कितना करंट उसमें जो है फ्लो होगा। तो यहाँ पर दो बात हम जान गए, एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में जीरो होता है और एसी करंट को हम एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से नहीं मेजर करते हैं बल्कि हॉट वायर गैल्वेनोमीटर से मेज करते हैं, और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को मेजर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल से वर्क करता है। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पर। अब एक बात हम जान गए हैं कि एवरेज वैल्यू हम एसी का जो है कंप्लीट साइकिल पे नहीं ले सकते, नहीं तो जीरो आ जाएगा, इसलिए हम एवरेज या मीन वैल्यू हमेशा जो है हाफ साइकिल पे लेते हैं। एसी ओवर हाफ साइकिल या वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, हाफ साइकिल पे हम लेंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें एवरेज लेना है तो उसका एक डेफिनेशन होता है जिसका डेफिनेशन हमें लिखना है यहाँ पर। इट इज डिफाइंड डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करेंट करेंट दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करेंट विच सप्लाइज सेम अमाउंट ऑफ ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट थ्रू अ सर्किट एज इट इज सप्लाइड बाई एसी सप्लाइड बाई एसी इन सेम सर्किट। अभी इसको समझाते हैं, सर्किट इन हाफ टाइम या सेम टाइम भी लिख सकते हैं। देखिए, मान लिया जाए हमारे पास एक सर्किट है, ठीक, यहाँ पर एक एसी लगा हुआ है, ठीक है। हाफ टाइम होता है जीरो से टी बाई टू टाइम, इस टाइम के दौरान ये एसी करंट जितना चार्ज सप्लाई करेगा, ठीक, जितना चार्ज सप्लाई करेगा उतना ही चार्ज अगर उसी टाइम में इसी सर्किट में डीसी सप्लाई करे तो वही डीसी जो है उस अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू होता है। यानी कि सेम सर्किट में सेम टाइम में जितना एसी हाफ साइकिल में चार्ज सप्लाई करता है उतना ही चार्ज सप्लाई अगर कोई कांस्टेंट करंट करे, कांस्टेंट करंट को ही डीसी करंट कहते हैं, तो उस डीसी करंट की वैल्यू को, उस डीसी करंट को नहीं कहेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं। इसका मतलब जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू है जो उतना ही चार्ज सप्लाई कर रहा है जितना कि एसी जो है उतने ही टाइम में उस सर्किट में कर रहा है। तो ये हमारा डेफिनेशन रहा जिसको आपको याद रखना है, ठीक है।
तो अब इस डेफिनेशन के बिहाफ पर हम जो है कैलकुलेशन करते हैं मीन या एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी नो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अगर हम चार्ज की बात करें यहाँ पर लेट करेंगे, लेट मान लिया जाए ये जो करंट आई है वो लगातार बदल रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन ये हम सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, लेट स्मॉल वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी इन विच करंट इज कॉन्स्टेंट, हमने मान लिया कि एक बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल है, एक बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल है जिसमें ये करंट आई जो है वेरिंग नहीं है, वैसे तो बदलता रहेगा लेकिन ये समय इतना स्मॉल लिया है हमने कि उसमें करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा ना बदले, बहुत स्मॉल अमाउंट में बदले, तो उन दौरान आपका ये करंट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। और अगर ये करंट कॉन्स्टेंट रहेगा तो हम यहाँ पर चार्ज पता कर सकते हैं, आपको पता है आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, करंट इज इक्वल्स टू होता है डी क्यू अपान डी टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हमें पता लग जाएगा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है आई की वैल्यू यहाँ से सब्सिट्यूट कर दिया जाए तो हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक। अगर हम चार्ज पता करना चाहते हैं हाफ साइकिल में, फॉर टोटल चार्ज, ये डी क्यू चार्ज कितने समय के लिए है, डी टी समय में सप्लाई किया एसी ने, तो इतने ही समय में अगर आपका स्मॉल चार्ज सप्लाई हुआ तो हाफ साइकिल में कितना चार्ज सप्लाई होगा, हम लिखेंगे फॉर टोटल चार्ज इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल हम किसे कहेंगे, समय अंतराल कहाँ से कहाँ तक हो, जीरो से लेकर कैपिटल टी बाई टू तक। हम इस ऊपर वाले इक्वेशन को अगर जीरो से लेकर टी बाई टू हाफ टाइम तक इंटीग्रेट कर दें तो इस लेफ्ट साइड का जो इंटीग्रल होगा वो आपका क्यू मिलेगा, इधर जो इंटीग्रल लगाएंगे उसमें जो है आई नॉट आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल जीरो टू टी बाई टू लिमिट तक करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन ओमेगा टी का हम इंटीग्रल अगर करें तो ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, इसका इंटीग्रल हम करते हैं यहाँ पर क्यू इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल आपका होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और चूंकि डी टी के रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ यहाँ टी भर है नहीं ओमेगा टी है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करके चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा टी को तो आएगा ओमेगा ठीक जीरो टू टी बाई टू, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर लिमिट की माइनस कॉस ओमेगा टी, टी के प्लेस पे ओमेगा का वैल्यू होता है टू पाई बाई टी, ठीक है ओमेगा इक्वल्स टू होता है टू पाई बाई टी, और स्मॉल टी के जगह पे हम पुट करेंगे टी बाई टू, अपर लिमिट माइनस ओमेगा को यहाँ बाहर कर लेते हैं हम, इस ओमेगा को माइनस लोअर लिमिट है कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, जैसे ही टी के प्लेस पे रखेंगे तो कॉस जीरो हो जाएगा,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस जीरो रख दे रहा हूँ मैं टी की जगह, जैसे ही जीरो रखोगे कॉस जीरो आ जाएगा ये, और ये माइनस वो माइनस प्लस हो जाएगा। क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट अपान ओमेगा, ओमेगा की जगह हम रख सकते हैं टू पाई टी, टू पाई बाई टी लिखेंगे, टी ऊपर चला जाएगा। ये आपका टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, माइनस वन, कॉस पाई का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस वन। कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन आएगा तो ये हो जाएगा वन, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, और कॉस जीरो का वैल्यू ऑलरेडी वन होता है, वन वन टू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट कैपिटल टी अपान टू पाई इंटू वन वन टू हो जाएगा, टू से टू ये कैंसिल हो गया, ये क्यू इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन नंबर वन हम मानेंगे। अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया कि एक एसी करंट जो है हाफ टाइम में इतना चार्ज सप्लाई करेगा, ठीक ठीक। अब हम एक ऐसा करंट मानते हैं, लेट आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं मेन करंट को, आई एम बी दैट कॉन्स्टेंट करंट विच सप्लाई सेम चार्ज एज सप्लाइड बाई एसी। एज सप्लाइड बाई एसी, तो एसी के द्वारा अगर सप्लाइड चार्ज है तो ये हो जाएगा आपका आई एम इज इक्वल्स टू, ध्यान रखिए मीन करेंट क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपान टी की जगह हम टी बाई टू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू टू, न्यूमरेटर में चला जाएगा टू क्यू अपान टी, क्यू इज इक्वल्स टू अगर हम सब्जेक्ट करें तो आ जाएगा आई एम अपान, सॉरी क्यू को सब्जेक्ट करना है हमें, तो क्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई एम इंटू टी, आई एम इंटू टी अपान टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। ये कांस्टेंट करंट हाफ टाइम में जो चार्ज सप्लाई कर रहा है वो आपका आई एम टी अपान टू आ गया, और एक वेरिंग करंट जो करंट सप्लाई कर रहा है वो आई नॉट टी अपान पाई आ गया है, ठीक है। अगर हम इक्वेशन वन और टू, देखो दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हैं, तो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या मिलेगा हमें, सॉरी दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हम कर देते हैं, आई एम कैपिटल टी अपान टू इक्वल्स टू आई नॉट कैपिटल टी अपान पाई, टी से टी कैंसिल हो गया, आई एम इक्वल्स टू हो जाएगा टू आई नॉट अपान पाई, ठीक है, टू आई नॉट अपान पाई। ये आपका जो है वैल्यू मिल गया। अब यदि पाई का वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, आई एम इज इक्वल्स टू टू आई नॉट अपान पाई का वैल्यू 3.14 अगर सब्स्टिट्यूट कर दें और डिवाइड करें तो ये आता है 0.637 इंटू आई नॉट, यानी हाफ साइकिल में जो करंट का मीन वैल्यू होता है आई एम
वो पीक वैल्यू का एसी के पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू है एसी का, उसका 63% के करीब होगा, ठीक ना, 63% के करीब ये आपका वैल्यू होगा। तो ये आई एम इक्वल्स टू मिल गया 0.6637 आई नॉट, ठीक है। तो ये आपका जो है आई एम का वैल्यू हो गया, ओके, दिस इज द मीन करेंट इन टर्म्स ऑफ पीक करेंट एंड दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी, इट्स ओके। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, वो हम लोग करेंगे आगे के क्लासेस में, और ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।